मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से ही हुआ है। यद्यपि अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। वह अपने कल्पना लोक में ही खोया रहा और वास्तविकता से उसका कोई सरोकार नहीं रहा। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उसे कलाकार, कवि या दार्शनिक ही कह सकते हैं, विषय पर क्रमबद्ध रूप में विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। उसकी महान रचना पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। तो अरस्तु को राजनीति वैज्ञानिक और राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने पहली बार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। ऐतिहासिक तथ्यों की खोज निष्पक्ष रूप से की, और वो भी जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसमें वैज्ञानिकता का समावेश था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना करने के पहले 158 संविधानों और शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसका विश्लेषण किया, और अरस्तु ने इन शासन व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक रूप और विद्यमान स्वरूप का अध्ययन करने और संपूर्ण तथ्यों की तुलना करने के बाद वैज्ञानिक ढंग से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अरस्तु युगों के अनुभव में विश्वास करता था, इसलिए उसने इतिहास को अपने अध्ययन का मूल आधार बनाया। इसी प्रकार अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे एक स्वतंत्र स्थान प्रदान किया। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक अंग माना, लेकिन अरस्तु का यह मानना था कि नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध साधनों से है जिसके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सबसे प्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। इसी प्रकार अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसका एक अपूर्व गुण संयम और संतुलन का तत्व है। उसने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। अरस्तु का यह कहना था कि विकास करना है तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संतुलन स्थापित करना होगा। असंतुलन विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद या दार्शनिक राजा के शासन जैसी धारणाओं का प्रतिपादन नहीं कर पाया, बल्कि अरस्तु का विचार है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर वह जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। इस संबंध में उसका कथन है कि इस सिद्धांत में कि थोड़े से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की अपेक्षा बहुसंख्यक जनता में ही सर्वोच्च सत्ता का निवास होना चाहिए,
कठिनाइयाँ अवश्य हैं, किंतु इनमें सत्य का अंश है। इसी प्रकार अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप में राज्य के पूर्ण सिद्धांत का निरूपण किया। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन का विषय है और इन विषयों का इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में नहीं मिलता है। यद्यपि अरस्तु का राज्य केवल नगर राज्य ही था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा की गई कुछ विषयों की विवेचना प्राय आधुनिकतम है। जैसे कि अरस्तु का ये कथन कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यह वाक्य राजनीति के इतिहास में सदा एक स्वयं सिद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। राज्य की पूर्ण व्याख्या प्राचीन और मध्यकाल में शायद किसी ने नहीं की। इसी प्रकार अरस्तु ने सरकार के तीन अंगों, नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का भी प्रतिपादन किया। ये अंग चाहे भले ही आधुनिक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल अनुरूप न हो, पर बहुत कुछ उनके समान ही है। और अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी। अरस्तु ने प्रत्येक अंग के निर्माण, उनके कार्य क्षेत्र और शक्तियों का अलग अलग वर्णन किया है और बीज रूप में आधुनिक सरकार की आकृति अंकित की है। इसे अरस्तु की बहुत बड़ी दूरदर्शिता ही कहा जाना चाहिए। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो सर्वोच्चतम व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है, जबकि अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता का तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में अरस्तु का विश्वास, ये ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जा सकता है। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए, बोधा, ग्रोशियस, बैंथम, हॉब्स, ऑस्टिन और लास्की आदि ने उन्हें अपनाकर ही वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या की है। संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति अरस्तु की बहुत ऋणी है। इसी तरह अरस्तु ने राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान किया। उसने इन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। अरस्तु ने यह बताया कि क्रांतियों का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष है। अर्थव्यवस्था के अनेक पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो, तो राज्य की समस्याएं अच्छे से सुगमता से हल हो सकते हैं। अरस्तु ने यह भी सिद्ध किया कि राज्य में जब तक एक सुदृढ़ एवं विशाल मध्यम वर्ग नहीं बन जाता, तब तक राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अरस्तु ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के पूर्व अपने समय की सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया और उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में तथ्य एकत्रित किए गए थे। इसीलिए उपरोक्त सभी कारणों के कारण अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है।